आप देख रहे हैं कि क्या क्या हालात, क्या क्या हालात मुल्क के हो रहे हैं। अभी किसी नहीं, अभी संपत सराल मेरे साथी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि एक साहब अपने कारोबार के फाइल रिन्यूअल करवाने के लिए पहुँचे कि साहब ये रिन्यू कर दीजिए पेपर्स, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये लगेंगे। तो कहा था बाबा हम तो हमेशा करवाते हैं, 2 लाख रुपये देते हैं। कहने था वो 3 लाख तो जन लोकपाल वाले मांग रहे हैं। न जाने कहां केजली उतारेगा, मैं जानता हूं कि ये जंग बेनतीजा है, न कोई जीत सकेगा न कोई हार सकेगा। मैं जानता हूं, कि ये जंग बेनतीजा है, न कोई जीत सकेगा न कोई हारेगा। थोड़ा सा लाइट करता हूं कि झूठ पूरी पुरानी गजल है, झूठों ने अल्लाह का शुक्र है कि अगला जो अगला लफ्ज आपको याद दी, इसका मतलब मैं सुना सकता हूँ। झूठों ने अनवर भाई सुनिए, झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया, सुन के बताना इंदौरियों, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में देखा मतलब बहाने क्या जाते ना मालूम चाचा क्या कहने चाचा 60 साल चक्कर हो गया। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। शेर ये सुनाना चाहता था, सब पढ़े लिखे लोग बैठे नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, यार सुन के बताना मेरे लोगों, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच। बहुत बहुत शुक्रिया, राहत नवाजगार, मोहब्बत नवाजगार। बता क्या सुनना चाहते हैं वाली। अच्छा आप ये बताइए कि आप अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं या बुरी। मेरे पास बुरी भी है और ये जो अभी तक जो सुनाई थी ये अच्छा कुछ शेर अच्छा अच्छा ये बच्चे कुछ याद दिला रहे हैं, मैं हालांकि इस मूड में नहीं था लेकिन ठीक है, आसान जरा सा मुशायरा हो जाए।
उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों